कर साथियों बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और भी अपने साथियों को लाइव पे जुड़ें, आपके थोड़े दर्शन हो जाएंगे, आपसे राम राम हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इस पे जुड़ जाएं और जो आपके साथी हैं, आपके मित्र हैं, आपके प्यारे हैं, उन सब को साथ में जोड़ें। सभी साथी अपने मित्र प्यारे को बोल दें, अपने दोस्तों को बोल दें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं और आगे से आगे शेयर करें। पहले से आपको मैसेज नहीं दे सके हैं कि फेसबुक पे लाइव आऊँगा, लेकिन अभी भी आप अपने मित्र प्यारों को जल्दी जल्दी बोल दें। आप सबके धन्यवादी हैं कि आप हमारी हर पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो और आप इस आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हो। आभारी हैं आपके सभी के। साथियों, पिछले साल देश में लॉकडाउन लगा था, हजारों लाखों मजदूर एकदम बेसहारा हो गए थे और बहुत से लोगों की रास्ते में जाते जाते डेथ हो गई थी। बहुत बुरे बुरे सीन सामने आए थे, देख के रूह कांपती थी। लेकिन अब की बार फिर सरकार ने वैसे ही काम कर दिया और फिर लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया और फिर कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया। इससे बहुत से मजदूरों की फिर भूखे मरने की नौबत आएगी। पता नहीं देश को किस तरफ ले जाएंगे, क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आती बात की। यहाँ पे पिछले 4-5 महीने से हम बैठे हुए हैं, यह दिल्ली के चौगिर्द बैठे हुए हैं 4-5 जगहों पे, पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियाँ करके आए हैं, हमें कहीं कोरोना नज़र नहीं आया। एक भी डेथ यहाँ कोरोना से नहीं हुई। सरकार कहती है कोरोना, फिर हवा खड़ा कर दिया। पता नहीं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया है, कौन सा षड्यंत्र है या अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, खुदा जाने। लेकिन मजदूरों के ऊपर फिर मुसीबत आ गई। साथियों, हम सभी मजदूरों से कहना चाहेंगे, जो हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हैं, फिर उनको जाना एक तरह से भारी पड़ेगा। साथियों, हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा दिल्ली के चारों तरफ जो है वो धरने लगे हुए हैं सारे बॉर्डरों पे, सब मजदूर यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे लंगर फ्री है, सने बच्चों के, सने परिवार के यहाँ पे आके रहें। यहाँ कितना ही टाइम लगे, चाहे सरकार 6 महीने का लॉकडाउन लगाए, यहाँ पे आपको फ्री लंगर मिलेगा, आपकी फ्री रहने की व्यवस्था करेंगे, फ्री आपको सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी, कोई आपका खर्चा नहीं करवाया जाएगा, सब कुछ यहाँ फ्री है। जो मजदूर भाई वापिस जाना चाहता है और उसके पास इंतजाम ना हो, जिस मजदूर भाई के पास यहाँ रहने की व्यवस्था, यहाँ खाने की व्यवस्था ना हो, तो उन सभी भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे धरने गाजीपुर में है, टीकरी पे है, शाहजहाँपुर में है, और ढांसा बॉर्डर पे है, कुंडली बॉर्डर पे है, दिल्ली में पलवल बॉर्डर पे है। तो जहाँ जहाँ भी भाइयों का नज़दीक पड़ता है, चाहे वो दिल्ली के अंदर के मजदूर हैं, वो चाहे फरीदाबाद के, गुड़गांव के मजदूर हैं, चाहे वो पंजाब के, हरियाणा के मजदूर हैं, वो सब मजदूर जो हैं वो धरनों पे आ जाएं। हम उनका सबका रहने का, खाने का, कुछ और भी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनकी सब ज़रूरतें यहाँ पर पूरी करेंगे। लेकिन उन भाइयों को वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को असहाय समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार जो है, सरकार की तरफ से वो बेवार से जरूर कर दिए जाते हैं, लेकिन मजदूर हमारे छोटे भाई हैं, हम सब उनकी व्यवस्था रहने की करेंगे। यहाँ पे परमात्मा का दिया सब कुछ है, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके दवाई की, उनकी और भी जो व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी, सब मजदूर भाइयों के लिए किया जाएगा। सारे मजदूर भाई यहाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।